बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। बीरनपुर में मृतक युवक के परिवार को 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। इसको लेकर परिवार के सदस्य को इस पर भरपूर मदद की जाएगी। सरकारी नौकरी साहू संघ के पदाधिकारियों की सीएम से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया गया है। सीएम ने कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये बड़ी घोषणा है। बीरनपुर में दिवंगत 22 वर्षीय युवक के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी के साथ साथ 10 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ परासवता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, मृतक युवक के परिवार जनों के लिए क्या सहायता मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी? देखिए बुसरा, जिस तरीके से बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में जो घटना घटी है उसके बाद से सियासत एक तरफ हो रही थी, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से एक बड़ा बयान, एक तरीके से देखा जाए बड़ी घोषणा हुई है। और जो बीरनपुर में दिवंगत 22 वर्षीय भुवनेश्वर साहू है, उसके परिवार को के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। और ये काफी बड़ी घोषणा है, क्योंकि विपक्ष की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि मुआवजा राशि वहां पर सहायता राशि युवक के परिवार को दिया जाए, तो उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से बड़ा यहां पर ऐलान किया गया है। और समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने उनको पूरी घटना से अवगत भी कराया था। इन घोषणाओं के अलावा उच्च स्तरीय जांच का भी ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रशासकीय जांच के निर्देश दिए हैं और इस जांच कमेटी को एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बुसरा, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है, मृतक युवक के परिवारजनों को सरकारी नौकरी के साथ साथ 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की बात कही है।